कैसे हैं आप लोग? आज अपन लोग एनालिसिस करेंगे मेरी सर्टिफाइड कॉपी का, डायरेक्ट टेक सब्जेक्ट का, जिसमें मैंने स्कोर करे हैं 73 आउट ऑफ 100। आप देख सकते हो कि भाई मेरे एमसीक्यू मार्क्स है 28 आउट ऑफ 30 और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में मार्क्स है 45 आउट ऑफ 70। ये मेरे रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस है जो मैंने अटेम्प्ट करे थे, उसमें मेरे मार्क्स कितने कितने कटे हैं वो आपको दे रखे हैं। ये अगर आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई डीटी में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होती है। तो चलो ये वाली जो चीजें हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको जो अपनी कॉपी में ले चलता हूँ। देखो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, कैपिटल गेन का क्वेश्चन था। आप प्रेजेंटेशन देखो, आपको प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन रखना है। ये कैपिटल गेन का क्वेश्चन था, सेल कंसीडरेशन दिखाया मैंने, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिखाया, इसके अलावा फिर मैंने एग्जेम्पशन दिखाया, और उसके बाद मेरा ये कैपिटल गेन निकल के आ गया। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अच्छा बच्चे मुझसे पूछते थे कि भाई आप ये पेजेस क्यों छोड़ते हो। देखो मैं पेजेस बस इसलिए छोड़ता हूँ कि अगर मैं जब आधे घंटे में, आखिरी के जो आधे घंटे में अगर मैं अपना पेपर चेक करता हूँ और मुझे कोई क्वेश्चन अगर गलत दिखता है, फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन मुझे गलत दिख जाएगा, तो मेरे पास जगह होनी चाहिए कि भाई मैं क्या करूं, उस क्वेश्चन को वापस सही तरह से करके प्रेजेंट करूं, ठीक है। तो मैंने पेपर, मैंने अपने जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें हर क्वेश्चन के बाद जो जो मुझे डाउटफुल लगे उसके बाद मैंने पेजेस छोड़े हैं, ताकि अगर बाद में मुझको दिक्कत होती है तो मैं क्या कर दूंगा, इस पेज में इस चीज को काट के क्या कर दूंगा, इधर अपना सोल्यूशन वापस कर दूंगा, राइट। अब देखो ये डिम डिविन का क्वेश्चन था, इसमें भाई ने मेरे फालतू में एक नंबर काट लिए, मुझे पूरे पूरे चार नंबर मिलने चाहिए थे। डिम डिविन का क्वेश्चन था, प्रेजेंटेशन देखो किस तरह से होगा, पहला प्रोविजन एक्सप्लेन करो, आपने जो है प्रोविजन एक्सप्लेन करा, उसके बाद आपने क्या करा, फैक्ट्स ऑफ द केस बताया, मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसके बाद कंक्लूजन दे दिया, राइट। नेक्स्ट टू का भी देखोगे, टू का भी जो है एक टोटल इनकम निकालनी थी कंपनी की। अच्छा इन लोगों ने जो है ये मेरे रीजंस पता नहीं क्यों काट दिए, कि जब सजेशन आंसर आएंगे जब पता चलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि भाई मुझे टोटल इनकम निकालनी थी कंपनी की, डिविडेंड रिसीव आ गया, बाकी ये दोनों मेरा एफटीएस ये काट ही दिया, नो इश्यूज। देखो थर्ड का ये जो है ट्रस्ट का क्वेश्चन था, मैंने पूरा प्रेजेंट करा, अच्छे पूरे नंबर मिले 4 में से 4। फिर आगे देखोगे आप, ये भी ट्रस्ट का क्वेश्चन था, बहुत से अमेंडमेंट्स पूछे जाते हैं डीटी और आईडीटी जैसे सब्जेक्ट में, तो अमेंडमेंट्स पे आपको एकदम बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ऑलराइट जस्ट अ सेकंड, रियली जयपुर में तो गर्मी का हाल बेहाल है, सच बता रहा हूं, इतनी बारिश हो गई फिर भी, और आज तो मेरी स्टूपिड एसी भी खराब पड़ी है, मैं पसीनों में नहा रहा हूं, देखो आप देख सकते हो मैं पसीनों में नहा रहा हूं। हाँ, नेक्स्ट अगर आप देखोगे थर्ड का भी, देखो थर्ड का भी मैं टोटल इनकम निकालनी थी, मेरा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ही पता नहीं क्यों गलत कर दिया इन लोगों ने, सजेस्टेड आंसर आएगा तभी पता चलेगा, बाकी ये तो सही है, हाउस प्रॉपर्टी और डिविडेंड, क्योंकि मेरा एक इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ही गलत था, तो मेरी टोटल इनकम गलत निकल गई, टैक्स लायबिलिटी पूरी गलत निकल गई, सब काट दिया इस भाई ने। ये बहुत खराब चीज होती है जहां पर एक मिस्टेक की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर आगे आप देखोगे टीडीएस रिलेटेड क्वेश्चन था, तो देखो टीडीएस रिलेटेड क्वेश्चन कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले आप बता दो टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, प्रोविजन एक्सप्लेन कर दो, फिर अमाउंट में बता दो कि भाई कितना टीडीएस कटेगा। देखो तो इसमें मैंने अमाउंट बता दिया, इसमें अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी नहीं, अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बेसिकली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो टीडीएस के क्वेश्चन में आपको अमाउंट जरूर लिख के आना है, और प्रेजेंटेशन देखो, प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि भाई सामने वाला अगर एक बार में पढ़े तो उसको सब समझ में आ रहा है, और कीवर्ड्स हाईलाइट कर देना कि टीडीएस कितने रेट पे कटेगा ऐसा वैसा। फिर नेक्स्ट देखो भाई टीडीएस का क्वेश्चन था, मैंने अमाउंट बता दिया कितना कटेगा। फिर अगर आप देखोगे फोर्थ का भी, ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन था, पूरे नंबर मिले, पहले मैंने पूरा प्रोविजन एक्सप्लेन करा, उसके बाद जो है आम लेंथ प्राइस निकाल दिया, पूरे नंबर मिले मुझे। देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था टैक्स ऑडिट का थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आईसीएमएट में एक डिट्टो क्वेश्चन था, डिट्टो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आया था। अब डीटी में जनरली थ्योरेटिकल पार्ट अपन करके जाते नहीं है, क्योंकि अपने को पता है डीटी वैसे बहुत वास्ट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं हो पाते, उनमें से एक क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आ गया तो मुझे दो नंबर मिल गए, भाई ने मुझे दो नंबर जरूर दिए, एक नंबर ये रहा और एक नंबर ये रहा, दो नंबर बिल्कुल मिले, बट ठीक है, जितना आपको आता हो पूरा कर देने का, जितना आपको आता हो पूरा लिख देने का, आपको जो है छह नंबर का था, 6 में से मुझे 2 नंबर मिले हैं, ठीक है 3-4 नंबर देने चाहिए थे, सब कुछ सही है उसके अंदर मुझे पता है। बाकी देखो फिर ये एक क्वेश्चन था ट्रू और फॉल्स का, जैसे ट्रू और फॉल्स होता है तो ऊपर लिख दिया मैंने ट्रू, नीचे लिख दिया फॉल्स, मैंने कोई नंबर ही नहीं दिया मुझे। तो टैक्स इवेजन और टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन था कि भाई टैक्स इवेजन या प्लानिंग में थोड़ा कंफ्यूज था, तो मैंने ऊपर लिख दिया टैक्स प्लानिंग, अल्टरनेटिव दे दिया टैक्स इवेजन का, ठीक है। तो भाई ने पूरा पूरा नंबर काट दिया, मैंने आपको बताया ना कि जैसे एग्जाम में पूछता ट्रू या फॉल्स, ऊपर लिख देता ट्रू नीचे लिख देता फॉल्स, मतलब ये ऐसी बदतमीजी चलेगी नहीं, मैंने ठीक है रिस्क लिया था, लेकिन दोनों ही गलत हो गए। अब दोनों ही गलत है या फिर दोनों ही सही है वो पता नहीं, बाकी ठीक है। एक क्वेश्चन था टैक्स इवेजन, इसमें तो मुझे पूरे नंबर मिले। फिर देख सकते हो आगे जाके मुझसे एएआर का क्वेश्चन पूछा था, एडवांस रूलिंग का क्वेश्चन है, इसमें पूरे नंबर देने चाहिए थे, सब कुछ सही है, प्रोविजन एक्सप्लेन करा, फैक्ट्स ऑफ द केस बताए और कंक्लूजन दे दिया, सब कुछ सही है, फिर भी इसने मुझे मेरा एक नंबर काट लिया। क्वेश्चन नंबर वन, इसमें एक एडजस्टमेंट, इस बार अगर आप देखोगे पेपर देखोगे तो एक एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का थोड़ा डिफरेंट आया था, पूरे इंडिया के लिए लगता वो, लेकिन कोई बात नहीं, 14 में से फिर भी अपने 10 नंबर तो उठाई है। अगर आप देखोगे ये रहा 14 में से अपने फिर भी 10 नंबर तो कमाए हैं इसमें। प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत सिंपल होता है, देखो ये रहा, आप नेट प्रॉफिट पकड़ो, नेट प्रॉफिट में ऐड वाले सारे आइटम्स लिख देने का, तो ये ऐड वाले सारे आइटम्स लिख दिए मैंने, ये सारे आइटम्स ऐड वाले चल रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करोगे, लेस वाले सारे आइटम्स लिख दोगे, लेस वाले सारे आइटम्स इधर आ जाएंगे एक साथ,
और किससे एक्सप्लेन करोगे, आपका जो भी आइटम है उसको तो पहले लिख दो, फिर नीचे दो लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दो। तो वही कर रखा है मैंने, देखो आइटम लिख दिया दो लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, आइटम लिख दिया दो लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह से अपना जो है क्लोजिंग स्टॉक का एक एडजस्टमेंट था जो पूरे इंडिया के लिए लगता, उसके वजह से तीन चार नंबर कटे मेरे, राइट, उसके वजह से पूरी अपनी टोटल इनकम का क्वेश्चन गलत हो जाता है, बट स्टिल अपने को 10 नंबर मिले बहुत है, मैं तो 8 ही एक्सपेक्ट कर रहा था इसके अंदर। इधर पूरी अपनी आंसर शीट खत्म हो गई। अब देखो मैं आपको कुछ बताता हूँ कि भाई डीटी में आपको जो है अगर एस करना है, डीटी में अगर आपको एग्जेम्पशन लाना है तो आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहला बात यह है कि आपके पास बेस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि भी डीटी में हजारों प्रोविजंस है, हजारों प्रोविजंस को आप रख नहीं सकते, आपको जो है प्रोविजंस को कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने अगर ये प्रोविजन बनाया है तो उसके पीछे पर्पस क्या था। गवर्नमेंट जो है टैक्स के प्रोविजंस बनाती है ना, एक पर्पस से बनाती है कि भाई कोई बंदा टैक्स प्लानिंग ना करे या फिर टैक्स बचाए ना। तो आपको जो है पूरा पता होना चाहिए कि भाई सरकार ने कोई प्रोविजन बनाया तो उसका पर्पस क्या है। अनलेस कि आपको ये पता हो, आप जो है एग्जाम में जो है खिचड़ी बना के आ जाओगे, क्योंकि आपके सारे प्रोविजन एक साथ मिक्स हो जाएंगे। तो कम से कम हजार जो प्रोविजन है उसमें से कम से कम 50-60% प्रोविजन ऐसे होने चाहिए, 70% प्रोविजन ऐसे होने चाहिए जो आपने समझ रखे हैं, जो आपको अलग से एफर्ट्स करके याद करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा भी पर्पस यही था कि भाई जो भी मेरे डीटी के सब्जेक्ट है, जो भी मेरे डीटी के मैंने नोट्स बनाए थे, उसमें से मैंने बहुत सी चीजों को समझ रखा था कि भाई सरकार का प्रोविजन, सरकार का पर्पस क्या है। तो आपके पास बेस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ज्यादा रटने पे फोकस मत करना डीटी में, बेस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एडिशनली आप चीजों को रट लेना। अच्छा, बेस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं आपको एक और चीज बता दूं कि भाई मैंने जो अपने यूट्यूब पे लेक्चर डाले हैं आप चेकआउट कर सकते हो, पीजीपी का और ट्रांसफर प्राइसिंग का। आप ये चीज देखना, जब आप लेक्चर देखोगे तो मैंने विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम आपको जो बेस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी है, बेस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी है। एंड मैं लिख के देता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे पीजीपी और ट्रांसफर प्राइसिंग के बेस्ट लेक्चर्स आपको मिलेंगे मेरे चैनल पे। अगर आप एक बार ट्राई आउट नहीं करा तो आप एक बार ट्राई आउट करना, आपको पता चलेगा कि विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम्स मैंने आपको जो है बेस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने की कोशिश करी है। अच्छा, इसके अलावा आपको जो है रिवीजन करना पड़ेगा, अनलेस कि आप चीजों को रिवाइज करो आपका जो है डीटी सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, बिकॉज डीटी में आपको जो है क्लिक होनी चाहिए चीजें तुरंत कि भाई ये कौन सा प्रोविजन पूछ रहा है। फिर आपके पास बेस्ट कंसेप्ट नोट्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, बेस्ट कंसेप्ट नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, पीजीपी और ट्रांसफर प्राइसिंग मैंने अवेलेबल करा दिया, एंड धीरे धीरे मैं आपको और चैप्टर्स के कंसेप्ट नोट्स अवेलेबल करा दूंगा जो बेस्ट है। बेस्ट का मतलब यह है कि भाई उसमें से कोई भी चीज आपने छोड़ नहीं रखी है, बिकॉज डीटी में माइन्यूट से माइन्यूट चीज बहुत काम की होती है, राइट। और आपके पास जो भी टीचर के कंसेप्ट नोट्स है उसको आप यूज कर सकते हो, बस ये देख लेना कि भाई उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। आप अच्छी तरह प्रेजेंटेशन करके आना चीजों का, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रखोगे डीटी में उतना आपको अगेन मार्क्स मिलेगा, और ये सिर्फ डीटी की बात नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स में जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रखोगे आपके मार्क्स उतने ही ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो डीटी का बस यही तरीका है, अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अच्छा रिवीजन, बेस्ट कंसेप्ट नोट्स, प्रॉपर प्रेजेंटेशन। और अगर आपको बेस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी विद बेस्ट कंसेप्ट नोट्स चाहिए तो आप मेरे जो है लेक्चर चेकआउट कर सकते हो, जो मैंने पीजीपी के डाल रखे हैं अपने यूट्यूब पे, पीजीपी और ट्रांसफर प्राइसिंग डाल दिए, बाकी सारे चैप्टर्स के आ जाएंगे। तो आई होप आपको जो है कुछ वैल्यू मिली होगी इस एनालिसिस से। एंड अगर आपको मेरा चैनल ज्वाइन करना है तो आप क्या कर सकते हो, लिंक को ज्वाइन कर सकते हो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस वीडियो को प्लीज लाइक करना, वीडियो को लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। एंड बाय बाय।